अब तक आपने देखा मन्ने यूं बताते हुए घना दुख हो रहा सर कि डॉक्टर रणदीप अपने ही खिलाड़ी को गलत सर्टिफिकेट इशू किया सर, और वो खिलाड़ी कोई और नहीं आपका अपना ही छोरा लखा सर। तूने अपने गुरु की मेहनत पर, तपस्या पर, शिक्षा पर कलंक लगाया, मारे को तेरी आज के बाद शक्ल तक नहीं देखनी सना तूने। मन्ने माफ कर तो बाबू जी, मैंने आपका भरोसा तोड़ दिया सर, सुख खत्म हो गया बड़ो, पर तू कहीं भी मैं तने लेने आ रहा हूँ। देख मैं थारी सारी बात सुनूं, सुना तुम्हारी बात लाखा। अब आगे देख रहे हैं भजन बनी। अच्छा आपकी आंखों के सामने हमारी इस अखाड़े में आपकी आंखों के सामने कैसा पाप किया गया है जिसकी माफी की उम्मीद आपसे रख भी नहीं सकता। मुझे तो आपके पूछने के लायक भी नहीं रखा मेरी औलाद ने। माफी चाहता हूं क्योंकि आज मैं इन्हीं हाथों से इस दिए को हमेशा हमेशा के लिए बुझाने जा रहा हूं। क्यों रोका मुझे? क्यों, क्या करने जा रहे थे आप? तो और क्या कर बता, तू तो अच्छी तरह जानती है ना कि मारे छोरे ने मारा ये सर शर्म से झुका दिया। किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं छोड़ा। पहलवानी की दुनिया में ये रघुवीर सिंह का क्या औहदा था, क्या नाम था, यूं मिट्टी में मिला दिया, चकनाचूर कर दिया। तुमको अच्छी तरह जानती हूं मैं कि मैंने और महेंद्र ने इस अखाड़े की नींव रखी थी। हमारी ईमानदारी, हमारी सच्चाई, इसी से इसकी नींव है, और इस नींव को हमारी औलाद ने क्यों हिला के रख दिया मालती? तो क्या नहीं बुझाओ तो क्या कर? अब सर मेडल का कोई मोल नहीं रह गया मालती। रुक जाओ, आपको मारेगा सब। क्या लगता है आपको, खाली आप ही परेशान हो? जितने आप परेशान हो उतनी मैं भी परेशान हूं, लेकिन हमारी हिम्मत तो आप है। आप अगर टूट जाओगे तुम्हारे को हिम्मत कौन देगा? आपको बजरंग बली पे भरोसा है ना? वो भरोसा रखो, जैसी चीजें खराब हुई है वैसे सब सही हो जाएगा। चलो अंदर चलो। जाने चाचा जी का गुस्सा कैसे शांत होगा? लाखा भाई सब बर्दाश्त कर सकते हैं, पर चाचा जी की नाराजगी ना। और अब तो यहाँ पे बड़ो भाभी भी ना है कि सब कुछ संभाल ले। जी सही फरमाया आपने। देवी जी देखिए प्रज्ञा जी, मैं अच्छे तरह से समझ सकता हूँ कि आपके ऊपर क्या बीत रही है। ना, आप कुछ ना समझते, इसलिए आप मुझे झूठी तसल्ली ना ही देना तो बेहतर होगा। आप भी तो सच्चाई की मूरत हो ना, तो आप भी लाखा भाई नहीं दोषी समझोगे। आप कुछ ना ही कहें तो ही ठीक है। आप जाइए,
आपका ऑफिस आपके बिना सूना होगा। प्रज्ञा जी, ऐसी बात नहीं है। लाखा जीजा जी को मैं भी बहुत मानता हूँ, उनकी घड़ी इज्जत करता हूँ। एक नेक इंसान तो वो है ही, साथ में एक लाजवाब पहलवान भी है। जिंदगी में कई मौकों पे उनसे बहुत कुछ सीखा है मैंने। मने भी उनके लिए खराब लग रहा है, लेकिन खैर छोड़िए। मने लगा आप परेशान हो रही होंगी, आपसे आकर आपका हालचाल पूछ लेता हूँ। हमारी गलती, मैं जाता हूँ, आप अपना ध्यान रखना। अरे प्रज्ञा जी, आप कहाँ जा रही? कहीं ना, बस ऐसे। वैसे अच्छी क्लास लगाई आपने बरदान की, कसम से मजा आ गया। मालती तितली, क्या बात है, दिखाई ना जरा कोई भी, कहाँ चले गए? अरे नमस्ते। नमस्कार कमला बहन जी। राम राम। राम सिंह भाई साहब। हाँ जी। राम राम। सब ठीक ठाक है? एकदम ठीक। बैठ जाओ बैठ जाओ। तेरा था कि मैं मालती और तितली दिख ना रहे। राम सिंह भाई साहब, इस आया थोड़ी सी तबीयत खराब होगी मालती की। आम पे हाँ, और तितली का मूड कुछ तो क्या बात होगी? या तो कुछ भी ना राम सिंह भाई साहब, तुम इस बात ना छोड़ो, मने न्यू बताओ किसी काम ते आएगे तुम यहाँ? अरे मैंने तो अविनाश और उसकी माँ को भी बुला रखा है। हम बे क्यों राम सिंह भाई साहब, उन्होंने यहाँ क्यों बुला लिया, ऐसा क्यों हो गया? आप लोगों को तितली ने कुछ ना बताया क्या? ये छोरी बीमारी ना नमूना से, अरे आज उसका जन्मदिन से। मन्ने मनाना ही ना से जन्मदिन। पर क्यों? जन्मदिन तो हम जरूर मनावेंगे। ना जी ना, जन्मदिन महाराज से तो मैं ही तय करूंगी के करना से और के ना करना से। तो मन ने तो ना मनाना अपना जन्मदिन। और जे कोई मारी मानने तो ये गिफ्ट करियो के गरीब बच्चों में बंटवा दियो। वो काम तो मन ने पहले ही कर दिया से। आओ आओ अविनाश बेटा। नमस्ते, बैठे ना जी। नमस्ते। नमस्ते भाई साहब, आज हमने इसकी तरफ से गरीब बच्चों में मिठाई भी बंटवा दी। राम बाबूजी, मैं चाहता हूँ कि आज तितली को कहीं बाहर लेकर जाऊं, इस बहाने हम दोनों को एक दूसरे को जानने का समझने का मौका मिल जाएगा। हाँ, अगर आपकी इजाजत हो तभी। बेटा मन ने तो कोई एतराज ना से। देख तितली, थारे वास्ते अविनाश ने आज अपनी मन पसंद मिठाई भी खरीदी से। बेटा अविनाश, जरा खिला दे इसे मिठाई। मन एक बार कह दिया ना, मन जन्मदिन नहीं मनाना तो नहीं मनाना। सारे मारे पीछे ना पड़ो, मैं पागल ना सू के मारा दोस्त मुसीबत में और मैं यहाँ मिठाइयाँ खाती फिर। तितली, हम जिसका डर था मने वही हो रहा है। किसे सरफिरे लोग हैं, कोई कह रहा है मिठाई खा ले, कोई नु कहे जन्मदिन मना ले, और तो और कोई तो यूं भी कह रहा है कि जा जालिम सिंह के साथ बाहर जा खाना खाया। किसी ने कोई परवाह ना से कि लाखा इतने गुस्से में घर से बाहर गया से। मालती माँ जी और रघुवीर बाबू जी कितने परेशान हो रहे थे, पर ये सब तो अपनी मस्ती में गुम से, इन्हें तो कोई परवाह ना से। गुस्सा हो के अभी तो कोई हल ना निकल रहा ना तितली, करूं भी तो के करूं।
जल्दी से बाहर जाओ तुम। जालिम सिंह चला ना गया हो। आपकी छोरी ने तो ब्याह से पहले ही अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए से। जी, तो यो सबका के मतलब से? हाँ? उसे आपने 10 लाख की घनी चिंता से, चलो अच्छी बात से, अपने होने वाले पति के हाथों जरा सी मिठाई भी ना खाई गई इससे। भाई साहब, ये तो हमें घर बुला के हमारा अपमान करना ही हुआ ना। अब माँ जी, ये तो बोलने में आपको भी पछाड़ देंगे। अंबर, ये बेरा लग गया तने अपनी सास की कीमत का? माँ जी, मैं आपसे माफी मांगना चाहूँ सा। मैं मानू सू के मारे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। असल में ना मैंने कहीं का गुस्सा कहीं निकाल दिया, हो सके तो मैंने माफ कर दी, और हो सके तो आप भी मैंने माफ कर दियो। पर अगर इतना सब कुछ जाने के बाद ईद भी आप मैंने बाहर खाना खिलाने ले जाना चाहो सो तो मैं तैयार सू। पर बापूजी की रजामंदी हो तो? पर क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है तो बापूजी तो मना करेंगे ही नहीं, है ना बापूजी? तो चले हम। दिनेश जी, बिल्कुल चलिए, मैं तो पूरी कोशिश करूंगा कि आपका ये जन्मदिन यादगार बना दूं। यो ठीक से, तुम दोनों जरा अच्छी तरह घूम टहलाओ, तब तक हम घर में छोटी सी पार्टी की तैयारी भी कर लेंगे, क्यों बहन जी? अरे छोटी पार्टी क्यों, घनी शानदार पार्टी करेंगे हम, है ना? जाओ बेटा जा, जा। अभिनाश जी, ऐसा करो हमारी जो गाड़ी है ना बाहर खड़ी, तुम उसमें बैठ कर चले जाओ और खूब घूमो फिरो, भगवान थारे साथ है। लाखा, घूमने के बहाने सही मैं तने ढूंढने आ रही हूँ। भाई साहब नमस्कार। भाई साहब, यहाँ पर कोई बाबा जी का या कोई स्वामी का आश्रम से जो अपने भक्तों से कड़ी तपस्या करवाने से, मतलब मौन व्रत रखाने से? भाई, हमने यहाँ आश्रम तो कोई देखा नहीं, लेकिन हाँ, यहाँ पर एक शिविर जरूर लगा हुआ था जहाँ भक्तजन मौन व्रत भी रखा करते थे और उपासना भी किया करते। वो शिविर कहाँ पे से? वो तो मैंने ना पता, पर कोई बता रहा था कि बाबा जी अपने भक्तों को लेके चले गए। चले गए, पर कहाँ कहाँ गए से वो? वो तो मैं ना जानू। अच्छा, फिर वो कब तक वापस लौटेंगे? जी तो जाने हैं कि वापस तो वो जरूर आएंगे, पर कब आएंगे ये ना जानू। मैंने किसी के मुंह से सुना था कि अब की एक हफ्ते में वापस आ जाएंगे, पर पक्के तौर पे ना कह सकूं। ठीक है। अरे बड़ो जी, आप मत रोइए, आप हमारे साथ फिल्म देखिए, जिससे आपका मन भी बहला जाएगा और आपको अच्छा भी लगेगा, है ना चुन्नू? बलो जी, प्लीज आप मत लो ये, आप तो ऐसे लोटा देते ना, हम लोग तो भी लोना आ रहा है। बड़ू जी, आपने कोई बुरा सपना देखा क्या? बताइए ना बड़ू जी। तितली जी, पता ही ना कहाँ ले चलूँ आपको,
तितली दिमाग पे जोर डालर सोच के आखिर लाखा कहाँ जा सके से। घर से निकला तो घना परेशान था, इसे मैं कहाँ जा सके से वो। ए छोरे, पूजा करने आया से ना तो ठंडे दिमाग पे कर। तितली जी, यहाँ पे एक बड़ा प्रसिद्ध रेस्टोरेंट से पूरे हरियाणा के लोग आते हैं वहाँ पे खाने जी, बताइए आप चलोगे उस रेस्टोरेंट में? इतना भी क्या सोचना, बताइए वरना कहीं और चलते हैं। तितली जी, मंदिर मारा मतलब से कि पहले मंदिर चल पड़ा, फिर जहाँ आप कहोगे वहाँ चल पड़ेंगे। असल में हमारा जन्मदिन भी है ना, और फिर जन्मदिन के दिन तो भगवान के दर्शन होने गए जरूरी है, तो पहले हम मंदिर चल पड़े फिर देख लेंगे। चले जी, बिल्कुल, आज आपका जन्मदिन है, जैसा आप कहोगी वैसा होगा। हाँ, चले फिर आप सीधा ले लो। लाखा तो प्लीज मना मंदिर में मिल जाओ ताकि मेरा पीछा छूटे जाले में। भगवान जी, यहाँ आस पास तो लाखा कहीं भी नहीं दिख रहा, पर वो जहाँ भी है ना उसकी रक्षा करना और हमारी भी थोड़ी मदद कर दो कि मैं उसने जल्द से जल्द ढूंढ सकूँ। पंडित जी, आपने लाखा को देखा के? ना बेटा, मैंने ना देखा, आज यहाँ लाखा को। बाबूजी, या घर का कोई भी सदस्य पूछे ना कि लाखा की चोट कैसी, तो सबको यही बोलना कि लाखा की चोट ना बहुत तेजी से ठीक हो रही थी और उसे नेशनल खेलने में ना कोई भी दिक्कत ना होगी। ये ले भाई तेरा फिटनेस मेडिकल सर्टिफिकेट, तेरे नेशनल्स की सीधी सीढ़ी, क्योंकि लखा सिंह अहलावत ने नेशनल गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए नकली सर्टिफिकेट किया है, इसलिए हम इसने नेशनल गेम में भाग लेने के लिए प्रतिबंधित करते हैं। तूने अपने गुरु की मेहनत पर, तपस्या पर, शिक्षा पर कलंक लगाया। हर जीत का के यो तो खेल का हिस्सा से ना, मेरे लिए तो आप हमेशा हीरो नंबर वन ही रहोगे। रात भर घना दर्द हुआ ना आपको लक्की जी, फिर भी आप अपनी मुस्कुराहट के पीछे छुपा रहे थे वो दर्द, लेकिन आपके दिल में जो दर्द था ना लक्की जी, वो ना छुपा पाए आप, वो मेरे दिल तक पहुंच गया लक्की जी। पढ़ो, कहाँ है तू, पढ़ो, मन्ने सारी जरूरत से पढ़ो, मैं टूट गया हूँ पढ़ो, मैं तेरे बिना ना रह सकता पढ़ो, प्लीज वापस आ जा पढ़ो, प्लीज वापस आ जा। अगर तू ना आई तो मैं घर पे, मैं बापूजी को, मैं माँ को के
के मुंह दिखाऊंगा। Look at you.